मेरी वापसी है यहाँ पर, मेरे पास दो बच्चे भी है, बच्चे भी मेरे साथ बैठ के कह रहे हैं कि हमें डर लगा, हमें भी गांव तक ले जाओ। चाबियां भी मिल गई मोटरसाइकिल की, और जो है मैंने अपने नए जो चप्पल भी पहन लिया है, बहुत खूबसूरत है, और मैं फुली जो है तैयार हो गया हूँ, सूटेड बूटेड हो गया हूँ, मैं जा कर रहा हूँ, चलो बताता हूँ। तो जो है मैं अपने मोटरसाइकिल पर बैठ गया और जाने लगा, जा कर रहा हूँ। आगे जो है मेरे फ्रेंड भी मेरे वेट कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर जो है हम गैदरिंग करेंगे और साथ मिलकर जाएंगे। जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं जो एक ग्रेट अफ्तारी होने वाली है यहाँ पर, जिस पर मुझे 25-26 दिन से पहले इनवाइट किया गया था कि आपको भी आने हो रहा, और ये अफ्तारी करा कौन रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बेसिकली जो है जमात इस्लामी के स्टूडेंट है, जो जमात इस्लामी स्टूडेंट होते हैं उसके वो जो है आज की अफ्तारी करा रहे हैं। तो उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है, और मेरे कुछ दोस्त भी है, उसको भी मुझे कहा गया था कि अपने दोस्तों को भी साथ ले आ सकते हो, तो उसको भी साथ लेके आऊँगा और मिलकर जो हम साथ जाएंगे। तो अभी जो है थोड़ी वेट करना, थोड़ी देर में जो है मैं अपने दोस्तों के साथ मिल जाऊँगा, उसे पिक कर और हम रवाना हो जाएंगे। तो देखते रहिए, और अफ्तार पार्टी बहुत कमाल की होने वाली है, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। फाइनली मैं जो है 12:30 पहुंच गया, लेकिन मेरे मोटरसाइकिल का जो ब्रेक है वो थोड़ा सा जो है डिले है, तो जो है आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ही डिले हैं, जिसकी वजह से मुझे, और मैं रात में वापस आऊँगा तो लौटूंगा तो मुझे तकलीफ़ हो सकती है, तो मैं इसको अभी से ठीक कर देता हूँ। और मेरे दोस्त कॉल भी उठा रहे हैं कि कहाँ पर है, तो अभी जो है मैं पहुंच गया हूँ अपने दोस्तों के पास, अब मैं इसको पिक करूंगा और हम जो है रवाना हो जाएंगे अफ्तारी के तरफ, जहां हम सेटिंग भी करेंगे और अफ्तारी भी करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये अफ्तारी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, ये बन्नू की अफ्तारी है। तो मेरे दोस्त से मिले, अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, हाउ आर यू? ठीक, फाइन, तबीयत ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है, बस सिर्फ अफ्तारी में मुँह मारता फिरता है, कभी इधर कभी उधर। अफ्तार पार्टी से जो है थोड़ा दरस कुरान भी हुआ, क्योंकि हमें जो है स्टूडेंट को जो है इस्लामी दीन देना था और इस्लामी तरबियत देना थी, तो थोड़ा सा तबलीग भी हो गई इस्लामी जमीयत तलबा के लिए, जो है तलावत कुरान पाक हो गया, उस पर जो है तर्जुमा हो गया, और हम आराम से बैठे रहे और सुनते रहे ताकि हम इस पर अमल कर सकें और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो सब बैठे थे, छोटे भी थे बड़े भी थे, यहाँ पर जमात इस्लामी के जो है तलबा अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। ये अफ्तार की तैयारी तकरीबन हो गई है, और फ्रूट जो है यहाँ पर फ्रूट है, वहाँ पर जो है वो प्रोग्राम चालू है, तलबा को जो है स्टूडेंट को जो है तरबियत दी जाती है इस्लामी, और यहाँ पर जो है हमारा जहांगीर भाई जो है यहाँ पर खिदमत में लगा हुआ है हमारे लिए अफ्तारी सेट करने के लिए, इंशाल्लाह। तो चावल भी आ गए हैं, चावल, और सारा सेटिंग होने वाला है, बस थोड़ा हम हाथ बटाएं। यहाँ पर अफ्तारी की सेटिंग हो रही है, दरिया बिछाई जा रही है। ये मेरा स्कूल था, यहाँ पर जो है मैंने मैट्रिक की हुई है, तो ये हमारा क्लासरूम था 9th और 10th, हमने यहाँ पर पढ़े। ये किचन था हमारा, यहाँ पर जो है चावल चाचा फरोश करता था, हम जो है चावल खाते थे, और ये खूबसूरत है हमारा स्कूल है, इसका नाम है हिया। और आज जो है इसमें जो है हम अफ्तार पार्टी की सेटिंग करने वाले हैं, सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर फ्रूट रेडी हो गया था, तो मैं गिलास लगाने लग गया, थोड़ा हाथ मैंने भी बटाया ताकि मुझे भी सवाब मिल सके, क्योंकि अफ्तार पार्टी होने वाली थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं भी हाथ बटा लेता हूँ। यहाँ पर फ्रूट लग गया था, तो हमने पकोड़े भी साथ में लगवा दिए, सेटअप कर रहे थे अफ्तारी की, ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, किसी चीज़ की भी कमी ना हो। यहाँ पर जो थे मेरे स्कूल के फ्रेंड भी थे, और बीएस के फ्रेंड भी थे कॉलेज के, तो वो भी हाथ बटा रहे थे, तो कहे तो उन्होंने कहा कि हमसे भी वीडियो बनाओ, कहे हम भी वीडियो में आ जाए और हम भी खिदमत कर रहे, तो उसने उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, यहाँ पर पकौड़े वगैरह लगा दिए, तो उसका भी बहुत शुक्रिया।
यहाँ पर शरबत भी रेडी हो गया था रोहाफ़े का, तो उसकी सेटिंग भी हमने की है, हमने जग में डाले ताकि हर एक के सामने हम जग रख सके और उसको कोई तकलीफ़ ना हो और उस शरबत से भी जो है रोज़ा अफ्तार कर सके, तो हमने इसकी भी सेटिंग कर दी और ये भी तैयार हो गया। अब बस रेडी, सब कुछ रेडी हो गया था, अफ्तार मुकम्मल हो गया था, तो हम अफ्तारी के लिए जो है सब लोगों को बुलाने लगे और सब लोग जो है बच्चे और लोग जितने भी थे सब जो थे वो बैठ गए अफ्तारी करने के लिए और अजान का जो था उसका सिर्फ इंतज़ार था, फिर हम सब ने जो है अल्लाह अकबर करना था, तो सब के सब जो है हम बैठ गए और मैंने कहा कि मैं भी बैठ जाता हूँ और रोज़ा अफ्तार कर लेता हूँ क्योंकि आज जो था मैं सोया भी नहीं था, तो सब कुछ रेडी और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो थी अफ्तारी हो गई थी। भाई ने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ जो था इस भाई ने कहा और हमने अफ्तारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फिर जो है हमने अफ्तारी के बाद जो है नमाज पढ़ी, क्योंकि नमाज भी थी तो हमने जैसे ही नमाज पढ़ी और हम घर की तरफ रवाना हुए। अफ्तारी सिवाब से पर दोस्त ने कॉल की कि चाय मेरे यहाँ पी के जाना वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा, तो हम अपने दोस्त के पास चले गए चाय पीने के लिए, तो रशक गप शप भी हो गया और हमारा जो था वहाँ पर हमने चाय भी पी ली, बहुत ज़बरदस्त चाय थी, दोस्त ने मंगवाई थी, स्पेशल बनाई थी हमारे लिए, तो हमने जैसे ही चाय पी ली ये उसका भाई था इनाम, उस इससे भी हमने बातें की और हमने जो है चाय बहुत मज़े की और चाय की जो थी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, मज़ा आ गया, तो अभी जो है हम घर की तरफ रवाना हुए। तो मेरी वापसी है, यहाँ पर मेरे पास दो बच्चे भी है, बच्चे भी मेरे साथ बैठ के कह रहे हैं कि हमें डर लगा, हमें भी गाँव तक ले जाओ और मैं घर पहुँचने वाले हूँ, मैं खुद भी डर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा आगे किसी ने डकैतों ने जो है आगे जो है एक बच्चे को लूटा, एक लड़के को लूटा, आईफोन ले लिया, तो अल्लाह मुझे जो है अपने घर हेर से पहुँचा है, अभी अल्लाह का शुक्र अदा सको ऐसा ना हो कि मेरे मुझे भी चोरी हो सके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं घर पहुंच गया, लेकिन डकैत बहुत ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई है तो लूट मार बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था लेकिन अल्लाह ने जो है मुझे खैर सलामत जो है अपने घर पहुंचा लिया, लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले और मैं अपना घर चला सकूँ। थैंक यू, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।